हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM और ये है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। जी हां, हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हां, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे और आप वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। अपना प्यार डिजिटली बरकरार रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर ढेर सारी रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, पीडीएफ नोट्स हो या वीडियो लेक्चर आपको हमारे सुपरस्टार बैच में भी मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जरूर कॉमर्स और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स इस जबरदस्त बैच को ज्वाइन कीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट OCM चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, जब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की तो मैं ये समझता हूं कि एक बहुत ही जबरदस्त सा स्किल है और हर एक स्टूडेंट के पास आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप के गुण होने ही चाहिए। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप ये आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, कहीं ना कहीं आपको क्षमता प्रदान करता है कि आप 10 लोगों के बीच काम कर सकें, साथ ही साथ काम करवा सकें, अपने बिजनेस का एम्पायर तगड़ा कर सकें। आपके मन में आएगा कि सर मुझे तो बिजनेस करना नहीं है, मैं तो अच्छी खासी लाख रुपए वाली नौकरी करूंगा, बस मेरे लिए तो वही काफी है। तो दोस्तों, फिर भी आपके अंदर ये क्वालिटीज और ये गुण होने बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडर्न डे वर्ल्ड में आपको कैसे जीना है वो सिखाता है। तो ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा, इसको नॉलेज के लिए और स्किल्स को अपने अंदर अडेप्ट करने के लिए पढ़िएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ और मैं इसीलिए आपको यहां पर बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक फुल टाइम जॉब होता है ऑफिशियली, विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। और ये दो क्वालिटीज मुझे लगता है सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स में नहीं, हम सब में होनी चाहिए और हम सबको इसे इनकलकेट करना ही चाहिए। हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए अपने काम के प्रति और हार्ड वर्क तो यार बनता ही है, बहुत जरूरी है। कोई कितनी भी पिपुड़ी बजा ले स्मार्ट वर्क की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क करोगे तभी स्मार्टली आगे वर्क कर पाओगे, बिना हार्ड वर्क के कोई स्मार्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, याद रखिए एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ये क्रिएटर्स होते हैं, ये ओनर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केट के क्रिएटर्स हैं, ये डिसीजन टेकर्स हैं दोस्तों, और इसीलिए रिस्क भी उठा पाते हैं। यानी आप देखिए कितनी सारी खूबियां यहां पर बता दी हैं। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक नेशन बिल्डर होता है, वो किस तरह से डिसीजंस लेता है और रिस्क उठाता है, ये किसी आम व्यक्ति को हमेशा हमेशा प्रेरणा देने के लिए बहुत जबरदस्त होता है। दोस्तों, याद रखिए एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स सच एज लैंड लेबर एंड कैपिटल। यानी लैंड लेबर कैपिटल के अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्टर है तो वो एंटरप्रेन्योर ही है। एंटरप्रेन्योर ना हो तो वो इनसे काम करवाएगा कैसे, वो अच्छे से काम निकलवाएगा कैसे? एंटरप्रेन्योर ही तो सारा चीज इकट्ठा करता है। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सभी को नौकरियां देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, साथ ही साथ दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी यार ये कितना भी हम कोर्स लें या कितनी भी गालियां दे लें, कहीं ना कहीं हमें ये मानना ही पड़ेगा कि यार कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे, अडानी जैसे, जिनकी वजह से ये देश मजबूती से ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है। महिंद्राज हो या बिरलाज हो या अंबानी हो या अडानी हो, ऐसे कई कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश की GDP में बहुत अहम योगदान दे रहे हैं, और इसीलिए ये एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, ये सफलता की कुंजी है। इन्हीं के जरिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है ये हो पाता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे होंगे इस इंट्रोडक्शन के जरिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो कुछ बेसिक से डेफिनेशंस यहां पर दिए गए। हॉवर्ड स्टीवेंसन जो है ये कहते हैं, अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर रह चुके हैं ये हार्वर्ड स्कूल में, और ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल। यानी यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को परसूट करना है जो रिसोर्सेस के बियॉन्ड है। यानी कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपनी इनोवेशन के साथ, जो व्यक्ति रिसोर्सेस को इकट्ठा करना जानता है, जो व्यक्ति जज्बे के साथ आगे बढ़ना जानता है, जो रिस्क उठाना जानता है और डिसीजंस लेना जानता है ना, वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है। दोस्तों, वेबस्टर डिक्शनरी कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस
एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। वेबस्टर डिक्शनरी बोलती है क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट भी करना जानता है और रिस्क उठाने के लिए लॉस का तैयार होता है। इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए वो लॉस भी झेलने को तैयार है, और उसी को हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह सकते हैं। तो यहां दो डेफिनेशन है, कोई भी एक डेफिनेशन आप जो है याद कर करके मस्त से एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। दोस्तों आज का आंसर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। आहा, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है, क्या होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 8 पॉइंट का आंसर है, और 8 पॉइंट को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है चिट्स। क्या है शॉर्ट कोड? चिट्स। हमारा शॉर्ट कोड है चिट्स। क्या है शॉर्ट कोड? चिट्स। और याद रखिए रिस्क तो लेना ही है, अगर फ्यूचर विजन क्लियर करना है यानी भविष्य सुनहरा चाहिए तो चिट्स को अपनाइए। क्या है ये चिट्स? ये भैया एग्जाम की कॉपी वाली चिट्स नहीं है। याद रखिए ये जो चिट्स हैं वो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, एच से हार्डवर्क, एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना है, आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज हो तो सोने पे सुहागा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रहना है, और आखिर में रिस्क उठाना है, बेयरिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, और आखिर में फ्यूचर विजन आपका जो है वो तगड़ा होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आंसर का नाम चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। कॉपी करना पाप है, और इसीलिए चिट्स के जरिए आप रिस्क ले रहे हैं फ्यूचर के, आपके भविष्य को बर्बाद करने का। तो याद रखिए आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, हाईली आप ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आपकी हो तो सोने पे सुहागा, साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के साथ साथ फ्यूचर विजन भी तगड़ा होना चाहिए। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों चिट्स में सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है सी से कम्युनिकेशन स्किल, यानी यार बोलने की कला, कम्युनिकेट करने की कला एक एंटरप्रेन्योर की बहुत जबरदस्त होनी जरूरी है। अगर आप बातचीत अच्छे से कर पाते हैं तो आप मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, अपना संदेश, अपने दिल में जो बात है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ये जबरदस्त होनी जरूरी है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या ना, आप एक आम तौर पर भी एक कॉमन मैन के रूप से भी अगर सोचें तो एज अ स्टूडेंट भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में दम होना चाहिए, और वो दम आप ला सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। अच्छे से अपने स्वभाव के अंदर ग्रैटिट्यूड लाकर आप जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश आनी ही बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी अच्छे से अपने आप को पेश कैसे करते हैं, यहीं से कम्युनिकेशन स्किल्स की शुरुआत होती है। दोस्तों याद रखिए एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, क्योंकि इसका काम ही ऐसे अलग अलग लोगों से बात करनी है, जैसे कस्टमर से बात करनी है, सप्लायर लोगों से बात करनी है, क्रेडिटर्स यानी उधारी जिनसे वो लेता है सामान उनसे बात करनी है, एम्प्लॉयज से बात करनी है, मैनेज करना है हर किसी को। जब इतने सारे लोगों से आपको बात करनी है तो हड़हुड़ करके तो बात नहीं करनी चाहिए, अच्छे से प्यार मोहब्बत से रिश्ता बना करके बात करनी चाहिए ताकि आप लंबे समय तक अपना बिजनेस चला सकें। दैट इज व्हाई ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। उसे अपने आइडियाज इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाने आना चाहिए, लोगों को समझाने आना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट देयर इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। वरना यार मैं बोलना कुछ चाहता हूं, तू समझ रहा कुछ है, तू समझता कुछ है, मेरे तक आता कुछ और है, और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की दुनिया शुरू हो जाती है जिससे बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये सबसे बड़ी खूबी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एंटरप्रेन्योर की। उम्मीद करता हूं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये पहला फीचर आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट जो है हार्डवर्क। दोस्तों और यहां पर मैं आपको बता दूं यार, बिना हार्डवर्क के तो कुछ हासिल नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही करता है यार, हम रोड पे पैम्पलेट बांटते थे, मार्केटिंग करते थे अलग अलग लोगों के लिए, रास्ते पे खड़े होकर के मैं पोस्टर बांटा करता था, और वहां से लेकर आज तक की मेरी जर्नी में हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यार, हार्डवर्क ही आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता है, वरना आप कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे। यार शॉर्ट टर्म सक्सेस जरूर मिलेगा लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। स्ट्रगल रोज आता है जिंदगी में, लेकिन हार्डवर्क से
से ही आपको सफलता मिलती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। जब कुछ नया आप कर रहे होते हैं ना, कोई नई शुरुआत कर रहे होते हैं, तब हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ सकता है। मेनी टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस as well as he also has to work independently, yani kai baar usko core kaam jo hai wo independently karna padta hai, khud ke dam pe karna padta hai, koi support nahi hota lekin khud hi mehnat karke aage badhna padta hai. Yes, this will make him successful. So hard work is the key to success, ye to hum sab jante hi hain. To ye bhi ek characteristic hai ek successful entrepreneur ki. Ummeed karta hu dosto cheats ke andar c se communication skill aur h se hard work aap samajh pa rahe honge. Badhte hain aage, agle point ki or badhun. तो यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अगला पॉइंट है हमारा वो कहता है एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब यार सिचुएशंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अलग अलग सिचुएशन अलग अलग परिस्थितियां तो आती हैं, बिजनेस के अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में अगर आप नेगेटिव सोचने लगे, अरे मेरा धंधा डूब जाएगा, अरे साला मैं कैसे सामान बेच पाऊंगा, सामान खरीद तो लिया है लेकिन ये बिकेगा कि नहीं, जब आप नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और इसीलिए आपका हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना बेहद जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज Think positively. यानी अगर वो think positively करेगा तो वो सही रास्ते ढूंढ पाएगा और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ पाएगा। He is always hopeful and confident about the market situations. Even in failure times, यानी नुकसान भी हो रहा है, वो हार भी रहा है, तो वो डगमगाता जरूर है लेकिन गिरता नहीं है, गिरता जरूर है तो उठता भी उतने ही तेजी से है, वो कभी रुकता नहीं है। और यही होता है highly optimistic behavior दोस्तों, जब आप positive attitude के साथ यार किसी भी situation का मैं सामना करने के लिए तैयार हूं, वो आपकी सोच होती है तो आप जरूर आगे बढ़ते हैं। Such positive attitude helps him to run his business successful. उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, आंसर का नाम चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। चिट्स के अंदर सी से हमने देखा कम्युनिकेशन स्किल्स, एच से हार्ड वर्क, एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आई से आता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। यहां याद रखिए ये एक क्रिएटिव थिंकर का काम है। आप क्रिएटिवली सोचिए तो आप इनोवेटिवली कुछ नया कर पाएंगे। क्रिएटिविटी के साथ ही इनोवेशंस आते हैं और इनोवेशंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप वही घिसा पिटा काम बार बार कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, देन हो सकता है तकलीफ में आ जाएं। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस एज वेल। ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू मेक प्रॉपर डिसीजन। यानी यार अगर आप अलग सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस ले सकते हैं, कई बार आप समय को बदलता हुआ देखकर भी सिचुएशन को समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रखते हैं। आप दूसरों पे डिपेंड होकर डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आपने इंटेलेक्चुअल यानी खुद की सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा समझा जाएगा और आप हार मान लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम सरलता से निर्णय लेने के लिए इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। तो यहां पर दो और पॉइंट्स हमने कर लिए दोस्तों। चिट्स के अंदर टी से जो पॉइंट निकल करके आता है वो है टेक्निकल नॉलेज। ये आजकल के मॉडर्न डे जमाने में तो बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप मार्केट में टिक पाएंगे। आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना काल के अंदर हर किसी ने अपने एप्स बना लिए हैं, अपनी वेबसाइट्स डेवलप की हैं, ऑनलाइन सब आने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। बड़े बड़े ब्रांड्स तो ऑनलाइन पहले से थे, नए ब्रांड्स भी अब ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज अडैप्ट कर रहे हैं। इसी से तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर टेक्निकल नॉलेज ऐसे में नहीं है आपको तो आप पीछे छूट जाएंगे, मार्केट आगे बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे, एंड यू विल स्टे बिहाइंड, यू विल लैक बिहाइंड। तो याद रखिए दोस्तों टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। स्वतःच्या बिजनेसची पूर्णपणे माहिती त्याला असली पाहिजे, पूर्ण टेक्निकॅलिटीज कळली पाहिजे, दुसऱ्यावरती अवलंबून कधी व्यापार होत नाही। द एंटरप्रेन्योर हॅज द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विथ द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। खुद के धंधे की पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्या नया हो रहा है उसके अंदर वो समझना भी जरूरी है। बात करें दोस्तों चिट्स के अंदर एस से, तो ये है एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं समझता हूँ ये हर स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, स्वतःवरती विश्वास ठेवा आणि तुम्ही जग जिंकून जाल। याद रखिए दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर्स टू अचीव हिज गोल्स। स्वतःच्या लक्ष्याला
खुद के लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपके अंदर ये पॉजिटिव वाइब्स तो होनी चाहिए। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चिट्स के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कम्युनिकेशन स्किल, हार्ड वर्क, इसके अलावा हाईली ऑप्टिमिस्टिक, आई से हमने पढ़ा दोस्तों इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, और टी से टेक्निकल नॉलेज एंड एस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उम्मीद करता हूं चिट्स आपको समझ गया होगा। चलिए आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन के अंदर आखिरी दो पॉइंट्स हैं रिस्क एंड फ्यूचर विजन। तो यहां रिस्क से याद रखिए रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। हर एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। कैसे रिस्क उठाने के लिए तैयार है? कैलकुलेटेड, सोच समझ के रिस्क लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा यार डूबी जाएगा। कहीं ना कहीं याद रखिए कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने हैं। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज के लिए वो तैयार होता है। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं फ्यूचर विजन की, आखिरी पॉइंट, तो फ्यूचर विजन में याद रखिए यार भविष्य की सोचेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। फोरसाइट करना बहुत जरूरी है, आपको आगे की सोचना बहुत जरूरी है। तो यार ही हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, यानी खुद के बिजनेस के बाहर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, वो संभावनाएं भी उसे पता होनी चाहिए। तभी वो आगे सोच पाएगा, एक कदम आगे रह पाएगा और कदम कदम बढ़ाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंजेस द मार्केट यार, सो ही कैन टेक टाइमली एक्शंस फॉर द सेम। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है कि यार चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन के जरिए हमने एक पूरा जबरदस्त आंसर पढ़ लिया है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। डन 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 है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पूरा ही आंसर समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने आज बात की है एंटरप्रेन्योरशिप की और हमने पढ़ लिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और एंटरप्रेन्योर के स्पेसिफिकली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर का नाम है चिट्स और दो पॉइंट्स है रिस्क फ्यूचर विजन। चिट्स के अंदर सी से कम्युनिकेशन स्किल्स है, एच से हार्डवर्क, एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक, आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज और टी से टेक्निकल नॉलेज, आखिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और दो पॉइंट्स रिस्क फ्यूचर विजन, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और फ्यूचर विजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा का पूरा आंसर आपने अच्छे से समझा होगा। जरूर 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 लिख के प्रैक्टिस करो, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। नए वीडियोस आते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे लेकिन पीछे का भूल जाएंगे। तो रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, तभी आप लंबे समय तक आंसर्स को याद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जी हां, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।